आदमी को कभी भी अपने जीवन में उदास नहीं होना चाहिए। ये जिंदगियां हैं, जिंदगियां में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन विश्वास कभी भी आदमी को खोना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, किसी भी कार्य को लेके, किसी भी आप वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें आप लगातार लगे रहिए। यही है कि भाई उसमें टाइमिंग कुछ ऐसे लग सकते हैं जो आपके संतोष सीमा से बाहर हो। तो जो आपकी सहनशीलता है संतोष सीमा से बाहर है, तो उस पर क्या आप कमांड कर सकते हैं? क्या उसको भी आप सहन कर सकते हैं, सहनशीलता और अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते हैं? इन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने कार्य को कीजिए। दुनिया है, हजार के बाजार हैं, लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, तो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप उन लाइनों में मत खड़ा होइए जहाँ पे हजारों करोड़ लोग होते हैं। आप उन लाइनों में खड़ा होइए जहाँ पे 100-200 लोग होते हैं या कुछ लोग होते हैं। आप भीड़ का हिस्सा ना बनिए, आप भीड़ की हिस्सा मत बनिए, आप ऐसे भागों में हिस्सा बनिए जो आपके लिए सबसे अच्छा मूल्यवान चीज़ हो और आपके प्रति प्रेरणा का स्रोत हो। ये सब चीज़ें हैं। माना कि जीविका यापन करने के लिए बैंक बैलेंस इत्यादि होना जरूरी है, लेकिन कर्म जो है आपका वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए आप अपने सत्कर्मों को करते हुए आप इस तरह से आप आगे बढ़ें कि आप एक मिसाल बन जाएं, एक एग्जाम्पल तौर पे जो है आपको लोग लें। तो किसी को भी यदि अपने आप पे विश्वास है, आप कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, किसी भी फील्ड के क्षेत्र में हैं, तो आप तब तक मत रुकें तब तक आप अपने मंजिल को हासिल नहीं कर सकते हैं, अपने एम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको दुखी नहीं होना है, अपने अच्छे से काम करना है और आपको आगे निकलने के लिए एक बहुत अथक प्रयास करना पड़ेगा, और अथक प्रयास ही आपका एक लिमिट से बाहर ले जाकर आपकी सफलता पर मोहर लगा देगा। असफलता, सफलता, असफलता, आप इतने कर्म कर दीजिए, इतने कर्म कर दीजिए कि अ मिट जाए। यदि अ मिट जाता है तो आप असफलता लिखते हैं, असफलता में यदि अ मिट जाए तो क्या हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। तो क्या आप इस सफलता को आप हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं? तो तोड़ सकते हैं। कामयाबी तब नहीं मिलती है जब आप प्रयास नहीं करते हैं। कामयाबी तब तक भागती रखती है जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं। सफल होने की एक वजह होना चाहिए और न सफल होना बहुत से वजह हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी गार्जियन हैं, उन लोगों को विचार करना चाहिए कि आज के स्थिति में, आज के जनरेशन में जो माता पिता का, गार्जियन का कंडीशन रहा, बैकग्राउंड रहा कि उनको नहीं सपोर्ट मिल पाया या वो नहीं पढ़ पाए या वो किए तो परफेक्ट किए। मैं मानता हूँ आपने परफेक्ट किया, मैं मानता हूँ आपने परफेक्ट किया, लेकिन आपके समय वो स्थितियाँ कुछ और थीं, आज की स्थितियाँ कुछ और हैं। आपके लिए उस समय 100-200 लोग खड़े होते थे, आजकल के युग में 100-200 से बहुत ज़्यादा भी खड़े हो जाएंगे, नहीं भी खड़े होंगे। आपने जब फेस किया उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम को, तब की बातें कुछ और थी। आज ये जो बच्चे कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या करेंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इनकी समस्या कुछ और होगी और उसका समाधान कुछ और निकलेगा।
तो आप बच्चों को टाइट रखें, कोई भी स्टूडेंट हुआ, कोई भी बच्चे बच्चियां हुए, उनको टाइट रखें, समझाएं बताएं, अपने लाइफ पे वो लोग फोकस करें और दुनियादारी से मतलब न रखें। यदि वो साइंस के फील्ड में हैं तो साइंस में ही नंबर वन बने रहें, आर्ट साइंस में तो आर्ट साइंस में बने रहें, किसी भी फील्ड में हैं तो नंबर वन बने रहें, इसी में सबसे बड़ी भलाई है। साथ ही साथ आप अपने टाइम को भी निकालिए, जो आपकी टाइमिंग है, टाइमिंग रेगुलेशन क्या है, टाइम कैसे बनेगा, कैसे पढ़ेंगे, कब रिपीट करेंगे, कब कितना रिपीट करेंगे, कितना याद हो गया, ये सब चीज़ें मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को क्या है कि अपना एक लिमिट पता चल जाता है, एक सीमा पता चल जाता है कि हाँ मेरी इतनी तैयारी है और मैं इसके आधार पर यह कर सकता हूँ। तो आप लोग विशेष समझदार हैं, इन बातों को समझें और इसका लाभ उठाएं और अपने माता पिता का कहा हुआ मानिए सभी विद्यार्थी, और वो जो कर रहे हैं एक दूसरे का पक्ष लेकर आप काम करते रहें, माता पिता का मान है, माता पिता बच्चों के भी मान है, तो इससे बेटर रिजल्ट मिलेगा। एक सकारात्मक सोच आपके पूरे विकास कर सकता है, आपके पूरे बॉडी का, पूरे माइंड का, पूरे घर परिवार का जो है विकास कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर न करना भूलें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और विशेष रूप से कमेंट करते रहें, और जो भी जानकारियाँ चाहिए एजुकेशन के फील्ड में वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट क्रेडिट कार्ड जिसे कहा जाता है, उस क्रेडिट कार्ड में भी आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू एंड एंजॉय विथ आर योर एम्स टारगेट विथ योर फैमिली। सो गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।